हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के 7 अपडेट्स के बारे में, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो इग्नू से आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली अपडेट पर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, 34th 35th कन्वोकेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, काफी सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड करके आ रहा था और उनको जो है convocation@ignu.ac.in पे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला जा रहा था। अब इस उस इशू को काफ़ी हद तक फिक्स कर दिया गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। तो अब मैं आपसे कहूँगा, अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, 2 से 3 दिन इस वीक तक वेट कर लेंगे। अभी कोई लास्ट डेट इसकी नहीं है, तो आप इसको वेट कर लीजिए। वो भी जो है कुछ चीज़ें बची होंगी, वो अपडेट हो जाएंगी तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। कोई लास्ट डेट अभी तक भी मेंशन नहीं की गई है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन अभी और आगे तक चलेगा, तो अभी आप चेक करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अब कर पा रहे हैं, ये पोर्टल हद तक रेक्टिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है जो है री रजिस्ट्रेशन को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सबसे स्टूडेंट को, सबसे ज़्यादा अपना री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें अगर वो एलिजिबल हैं तो। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी, कुछ दिनों से OTP का इशू आ रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार परेशान थे, उनके जो है न तो मोबाइल पर OTP आ रही थी न तो ईमेल पर। वो ईमेल पर सेंडिंग फेल करके दिखाता था और OTP सेंड दिखाता था मोबाइल पे, बट ये होता था कि OTP आती ही नहीं थी मोबाइल पे। तो अभी क्या है, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं आप, तो अब अगर अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो अभी आप कर सकते हैं। अपना जो फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन में जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ता है, जब आप इसको आगे प्रोसीड करोगे, आप मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी OTP का इशू फिक्स कर दिया गया है, तो अपना री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। 31st जनवरी लास्ट डेट है जनवरी 2022 सेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, प्रॉब्लम फिक्स कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये था कि दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए जो है लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था असाइनमेंट सबमिशन के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन और आपका जो है प्रोजेक्ट इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन फील्ड वर्क जर्नल जो भी था, ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से दोनों तरह के साथ आप सबमिट कर सकते हो। असाइनमेंट सबमिशन के लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, हालांकि कल एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि जो है लास्ट सबमिशन जो चला था असाइनमेंट सबमिशन 15 जनवरी तक चला था, मैंने 31st बोला था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फर्दर जो है आप अभी अपना जो है 5 फरवरी तक अपना जो है असाइनमेंट बना के अपने रीजनल सेंटर की गाइडलाइन के हिसाब से सबमिट करवा सकते। काफ़ी रिसेंटली गाइडलाइन भी जारी की गई थी आपके रीजनल सेंटर के द्वारा जो है असाइनमेंट सबमिशन की ऑनलाइन, तो आप उसको देख लीजिएगा। सभी स्टूडेंट उसी तरीके से सबमिट कराएंगे जिस तरीके से पहले सबमिट करवाया गया था, लगभग 10 दिन बाद इसको स्टार्ट किया गया। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता तो ये एक्सटेंड भी नहीं होता, क्योंकि 20 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट थे, तो अभी पोस्टपोन होने की वजह से ये लास्ट चांस मिला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के असाइनमेंट वगैरह नहीं सबमिट थे, तो अभी कर लीजिए। मैं इग्नू से यही बोलूंगा कि अभी जो है टर्म एंड एग्जाम का भी डेट एक्सटेंड कर दें, मिनिमम 7 डेज। काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट चांस भी है, ठीक है। तो अभी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर लीजिए, मे भी पॉसिबिलिटी अगर है हो सकता है तो अपने टर्म एंड एग्जाम का भी चेक करते रहिएगा, मैं भी आपको अपडेट दूंगा। अगर डेट बढ़ती है तो काफ़ी सारा अब जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉफिट होगा कि वो एग्जाम फॉर्म भर के अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि आपको जैसे पता जनवरी 2022 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, काफ़ी सारे नए प्रोग्राम भी ऐड किए गए हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की फीस बढ़ा दी गई है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है। अभी प्रॉस्पेक्टस जनवरी 2022 सेशन के लिए अपलोड नहीं किया गया है, अभी शायद डेवलपमेंट में होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसको अपलोड किया जाएगा, तो मैं उसमें ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स की फीस बढ़ गई है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, कैसे फीस को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फीस को पहले अपने सेशन में देखेंगे, अब इस सेशन से मैच करेंगे तो फीस बढ़ी दिखेगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे प्रोग्राम की फीस बढ़ा दी गई है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ज़्यादा फीस नहीं लग रही है, तो पोर्टल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कहीं गलत पोर्टल तो नहीं, नहीं गलत पोर्टल नहीं है, सेम पोर्टल है, फीस बढ़ाई गई है बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री की, तो उसमें थोड़ा सा फीस में चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सभी प्रोग्राम्स की, इस पोर्टल से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे नए प्रोग्राम भी ऐड किए गए हैं, जिसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ, आप इसमें सर्च कर पाएंगे, देख पाएंगे। प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें क्लियरली बहुत सारे प्रोग्राम ऐड किए गए हैं, उसमें आप डिटेल में देख पाओगे, ठीक है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली, डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया
दिया गया है पीजी डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा। ये काफ़ी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको करना चाहेंगे। अगर इस प्रोग्राम को आप करना चाहते हैं तो फीस वगैरह मेंशन की 6100 फीस है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, आप कर सकते हो। इसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दोनों दिया गया है इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, आप इसमें जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस प्रोग्राम को भी एडमिशन ले सकते हो। ओडीएल मोड में लॉन्च किया गया है, इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन होगा, आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जो है बीए उर्दू ऑनर्स को लॉन्च कर दिया गया है, पहले ये नहीं था, तो आप इसको कर सकते हो बीए उर्दू ऑनर्स में, और इस प्रोग्राम को भी लाइव कर दिया गया, दोनों सेशन में अवेलेबल है, एडमिशन ले सकते हो, इसको भी ऐड कर दिया गया प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ बीए संस्कृत ऑनर्स नहीं था, इसको भी ऐड कर दिया गया है, अभी रिसेंटली लॉन्च भी किया गया इसे, तो आप इसको अगर कई सारे स्टूडेंट जो है बीए जो है संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए एज ए सब्जेक्ट था पहले, अभी संस्कृत ऑनर्स में भी कर दिया गया है, तो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं, दोनों सेशन में अवेलेबल है, फीस वगैरह इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नंबर वगैरह दिया गया है, तो आप सब बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी पोर्टल से ओडीएल मोड में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, इग्नू कई सारे टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम्स कराती है, जिसमें कई सारे अभी सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ नए सब्जेक्ट पहले इसको बताऊंगा, फिर और सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल बताऊंगा। ये आपका जो है एम ए इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, हालांकि ये ऑडियल मोड में लॉन्च किया गया है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो कि इस वाले पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके साथ साथ इसका एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी है, उसको इसमें ऐड किया गया है, जो ऑनलाइन मोड में ऐड किया गया है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसको आप ऑनलाइन में पाओगे, और ये वाला मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपको ओडीएल वाले मोड में मिलेगा इस वाले पोर्टल से। बाकी आप जो है ऑनलाइन वाले पोर्टल से जो है एडमिशन ले सकते हो इस डिप्लोमा प्रोग्राम में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है एम ए जी एम सी, एम ए मास्टर इन जर्नलिज्म एंड जो है कम्युनिकेशन में प्रोग्राम को ऑलरेडी चलाया जा रहा है ओडीएल मोड में, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको ऑनलाइन किया जा रहा है, तो इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। आप इसमें भी आप टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, इसको ऐड कर दिया गया है प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो है बी एस डब्ल्यू जी ऑलरेडी था ओडीएल मोड में, अब इसको भी टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया है, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। बी एस डब्ल्यू जी ओ एल हो गया है ये प्रोग्राम, और इसको ऐड कर दिया गया है ऑनलाइन प्रोग्राम वाले में, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इस टोटल सभी प्रोग्राम्स की डिटेल आपको इस वाले पोर्टल पे मिल जाएगी। देखिए जैसे कि बी एस डब्ल्यू जी ओ एल हो गया है यहाँ पे, अब एम ए जे एम जो है सी ओ एल हो गया है, और ये एम बी ए प्रोग्राम को भी टोटली ऑनलाइन कर दिया गया है, आपके एम कॉम जो है बी कॉम को ऑनलाइन कर दिया गया है, बी सी एम सी ए को ऑनलाइन कर दिया, कई सारे प्रोग्राम्स को टोटली ऑनलाइन कर दिया, तो यहाँ से उनकी डिटेल मिल जाएगी, आप यहाँ से आप उनकी डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, जो है डिफरेंट रीजनल सेंटर से कई सारी अपडेट्स आती रहती है, सभी को मैं बोलता हूँ अपने रीजनल सेंटर को जरूर देखते रहें, रीजनल सेंटर से डे बाय डे अपडेट आती रहती है। अभी कोलकाता रीजनल सेंटर ने एक अपडेट दिया है, जो कि असाइनमेंट जो भी आप दिसंबर 2021 टर्मिनल एग्जाम के लिए आपने सबमिट करवाया, उसकी एक लिस्ट आई है, जिन भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स अपना सबमिट करवाया जब जब जिस डेट को, तो यहाँ पे एक्सेप्ट उनके जो है उनके असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी इवेल्युएशन के मार्क्स बाद में आएंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो अभी आप इसमें 450 पेज का जो है लिस्ट है, इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च कर सकते हो, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है जो है आपके आरसी डेली 2 की तरफ से, जैसे कि आपको पता है सभी जो है रीजनल सेंटर जो है अपना काउंसलिंग शेड्यूल बनाते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं, तो इसमें जो है अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट खोलिएगा, रीजनल सेंटर की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आपको मेन पेज पे ही काउंसलिंग का एक लिंक दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये काउंसलिंग यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो काउंसलिंग पे आप जब क्लिक करोगे तो इस वाले पोर्टल पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल खुल जाएगा, जैसे कि जुलाई 2021 सेशन का काउंसलिंग करवा रही है आरसी डेली 2, तो उन्होंने लिस्ट जारी किया गया, सभी प्रोग्राम वाइज अलग अलग काउंसलिंग होती रहेगी, सभी स्टडी सेंटर वाइज अलग अलग काउंसलिंग करवाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस शेड्यूल को गूगल मीट के थ्रू आप कर सकते हो, यहाँ पे गूगल मीट का लिंक दिया है, डेट एंड टाइमिंग दिया गया है, उसी टाइम पे ये गूगल मीट ओपन किए करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलिंग में यही सारी चीज़ें बताई जाती, कैसे आपको प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, कब असाइनमेंट बनाना है, कब एग्जाम होगा, कब रीरजिस्ट्रेशन होगा, सारी प्रोसेस को इसमें बताया जाता है। काउंसलिंग और क्लासेस में फर्क होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको आप देखते रहिए। बाकी क्लासेस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, स्वयं प्रभा चैनल को देखते रहिए, और हो सकता है क्लासेस भी बहुत सारे जो है स्टडी सेंटर वाले कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि
आपको आरसी कोलकाता की तरफ से देखने को मिलेगा। बहुत सारी क्लासेस होती रहती है और वो लाइव जो है वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें देते रहते हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसमें देखिए रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस और इवेंट्स, इसमें आप देख पाओगे कई सारी क्लासेस इसमें ऐड कर दिए गए। जो भी क्लासेस होती हैं इसमें काउंसलिंग होती है उसको ऐड कर दिया जाता है, क्लासिक काउंसलिंग दोनों इसमें ऐड है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो को और इसको आप जो है ज़रूरी नहीं आप इसी रीजनल सेंटर से हों, ठीक है। अब ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अभी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी सारी अपडेट्स नहीं मिल पाती हैं, तो जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा जो है अपडेट्स को आप सभी स्टूडेंट को मिलेंगे। मिलते हैं कोई नए वीडियो नए